A very good evening. Welcome to my channel. This is Dr. Shweta Malani, आपकी कोच, आपकी मेंटर, अब आपकी बायो कंपेनियन. एंड जैसा कि मैंने बेटा आप लोग सबको प्रॉमिस किया था कि इस कोरोना वायरस के क्वारंटाइन के वक्त जब आप सब घर बैठे हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, आप स्कूल नहीं जा पा रहे, उस वक्त मैं आपके एनसीईआरटी की क्लास 11 एंड 12 के कुछ चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर्स लूंगी ताकि आप घर बैठे बैठे अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर सके. बट बिफोर आई प्रोसीड, मैंने ऐसा आपको प्रॉमिस किया था, इस कंटिन्यूटी में मैंने क्लास 11 के चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पर एक वीडियो बनाया भी था और मैंने कहा था कि मैं कंटिन्यूड वीडियो भी बनाऊंगी. तो उसी कंटिन्यूएशन में ये आपका सेकंड वीडियो है. जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, मैंने उस वीडियो का URL नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज़ देख लीजिएगा, तब आपको आज का वीडियो फायदा होगा. And before I proceed and I go actually deep into the chapter, I just have to say one thing. In case you have not subscribed my channel, please do subscribe it. And आपका जो bell icon है उसको आप press कर दीजिए ताकि मैं कभी भी नया video जब upload करूँ तो आपको notified हो जाए. So without wasting much time, cell cycle, cell division, class 11, chapter 10 का आज ही आपका second video है जिसमें हम इस chapter को थोड़ा सा और बेहतर और थोड़ा सा ज़्यादा detail में explore करेंगे. Right? So here we go. सबसे पहले है कि ये जो चैप्टर है ये है आपका अबाउट सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल. पहला हमारे मन में सवाल उठता है कि व्हाट इज द सेल यू नो डिवीजन एंड व्हाट इज द सेल साइकिल. तो सेल डिवीजन तो एकदम क्लियर सी बात है भाई, द प्रोसेस बाय विच द सेल एज यू कैन सी इट डिवाइड्स टू फॉर्म यू नो न्यू सेल्स, दैट इज कॉल्ड अ सेल डिवीजन. बट हम इसे सेल साइकिल क्यों कहते हैं, राइट? ये हमारे मन में पहला सवाल है. तो यहाँ पर एंड सेकेंड यहाँ लिखा है द ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. यहाँ ऑर्डरली से हम क्या मीन करते हैं, पहला हम सेल साइकिल क्यों कहते हैं, या ऑर्डरली से हमारी क्या मतलब है. यहाँ पर हम कहते हैं इट डुप्लीकेट्स इट कंटेंट, डुप्लीकेट से हमारा क्या मतलब है. और चौथा मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि द एक्टिविटीज आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड. ये चार चीजें जो यहाँ पर मैंने लिखी है, मैं एक एक करके इन चारों को आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी. सबसे पहला, वाई डू वी कॉल इट ए सेल साइकिल. सेल डिवीजन तो समझ में आ गया, ये हमारा एक सेल है, ये डिवाइड किया, इसने नए सेल्स बनाए, इसको हम सेल डिवीजन कहते हैं. साइकिल इसलिए कहते हैं कि जब एक सेल डिवाइड करता है बेटा, ऐसा नहीं है कि बस एक सेल जैसे तैसे जब 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 जैसे मर्जी डिवाइड कर जाता है. ये जो डिवाइड करता है इसके जो इवेंट्स जो जो होते हैं ये ऑर्डर्ड है और सीक्वेंशियल है. कौन क्या डिवाइड करने के लिए पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये सारा सीक्वेंस पहले से तय है. एंड ये सीक्वेंस ऑर्डर्ड है, ऑर्डरली है, सच दैट जब भी सेल डिवाइड करेगा, चाहे वो मेरा करे, प्लांट का करे, एनिमल का करे, वो इन्हीं सीक्वेंस में करेगा, इसी ऑर्डर में करेगा और करता ही चला जाएगा, सच दैट एक से दो, दो से चार, चार से आठ बनता ही चला जाएगा. सिंस इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सेल साइकिल. तो आपकी पहली क्वेरी क्लियर हो गई, व्हाई वी कॉल इट अ सेल साइकिल. अगला सवाल उठता है तो क्या सेल हमारे बॉडी में जब चाहे जितना चाहे डिवाइड इनडिस्क्रिमिनेटली करता चला जाएगा, इट विल गो ऑन इनडिस्क्रिमिनेटली डिवाइडिंग? नो. व्हेन अ सेल इज टू डिवाइड, हाउ मच सेल इज टू डिवाइड, विच सेल इज टू डिवाइड, दिस इज ऑल जेनेटिकली कंट्रोल्ड. अगर आपकी बॉडी में जेनेटिक कंट्रोल नहीं होगा एंड जब जो सेल डिवाइड करना चाहे डिवाइड करे, क्योस हो जाएगा. वैसे ही एक क्योस का नाम है कैंसर. व्हाट इज कैंसर? व्हेन दिस जेनेटिक कंट्रोल इज लॉस्ट एंड द सेल गोज ऑन एंड ऑन डिवाइडिंग इनडिस्क्रिमिनेटली फॉर्मिंग ट्यूमर्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कम टू नो व्हाट इज सेल डिवीजन, व्हाई वी कॉल इट अ सेल साइकिल एंड हाउ इज इट कंट्रोल्ड. व्हेन वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल, that's called cell division. We call it cyclic because the events are ordered and they are put in a sequence and the same sequence is followed every time it divides. So we call it a cell cycle, and this cell cycle is not controlled, uncontrolled, but it is under genetic control. Is that clear? That we now know that. तो हमारे मन में अगला सवाल क्या आएगा? Why does the cell divide? What is the purpose? हमारे बॉडी में सेल आखिर डिवाइड करता क्यों है, राइट? सो नाउ लेट अस एक्सप्लोर द पर्पस व्हाई द सेल डिवाइड्स. वी नो इट वेरी वेल, इन आवर बॉडी द सेल बेसिकली डिवाइड्स फॉर टू पर्पस मेनली. वन, ग्रोथ एंड रिपेयर. ग्रोथ एंड रिपेयर मींस ये एक सेल विल डिवाइड टू फॉर्म मेनी सेल्स.
These many cells will either lead into growth or it will lead into repair. यहाँ आपका कट गया है, new cells will divide and this will get healed up. यहाँ healing हो जाएगी और इस तरह से आपका repair हो जाएगा. So either for growth and repair or secondly, the new cells they divide for reproduction. Why reproduction? क्योंकि reproduction में the parents they just give one cell. This cell is called gamete. The male gamete is called sperm. The female gamete is called egg. It is these two cells which fuse to form zygote. And is zygote se, cell division se, you know, jisko growth kehte hain, pura individual paida hota hai. Yani ke, the cell divide one for growth and repair and second to form gametes for sexual reproduction. Chaliye ek ek karke dono purpose ko hum log thoda sa detail mein explore kare. Right? So, पहला मैंने क्या कहा, इट डिवाइड्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. राइट, याद रखना, व्हेन द सेल डिवाइड्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर व्हाट हैपेंस, फर्स्ट वन सेल विल फॉर्म ओनली टू डॉटर सेल्स. एज यू कैन सी, ये पेरेंट सेल है, इट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्स. एंड अनदर यूनिक थिंग इज दैट बोथ द सेल्स दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. यू कैन सी हियर इन द ओरिजिनल सेल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 4 एंड दोनों डॉटर सेल्स में द क्रोमोसोम नंबर इज अगेन 4. ठीक, तो व्हेन द सेल्स दे डिवाइड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ईच सेल फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सच अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन वी हैव नेम्ड एज माइटोसिस. राइट, एंड व्हेन द सेल डिवाइड्स टू फॉर्म गैमेट्स दैट इज फॉर रिप्रोडक्शन व्हाट यूनिक वी फाइंड देन वी फाइंड दैट वन सेल एक्चुअली फॉर्म्स नॉट टू बट 4 सेल्स. And here, the number of chromosomes they get half. You can see, yeah, original cell mein 4 hai. Yahan pe sare daughter cells mein keval 2 hi chromosome hai. So, when the cell divides to form gametes, each cell forms 4 daughter cells with half number of chromosome. And this type of cell division we have named as meiosis. Right? That means there are 2 types of cell division in our body. One is called as mitosis and the other is called as meiosis. इससे पहले मैं माइटोसिस मियोसिस आपको और ज्यादा पढ़ाऊं, आई वॉन्ट टू टेक अप अ वर्ड कॉल्ड एज प्लॉयडी. मैंने अक्सर देखा है बच्चे 12 में आने के बाद भी प्लॉयडी वर्ड समझते नहीं है. सो एग्जैक्टली व्हाट डू आई मीन बाय द वर्ड प्लॉयडी. प्लॉयडी मीन्स जस्ट हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम यू हैव इन अ सेल. नाउ व्हेन आई से सेट्स ऑफ क्रोमोसोम व्हाट डू आई मीन, देखिए यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया है, सेल का न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस में 2 तरह के क्रोमोसोम है, एक को रेड से देखा है, एक को ब्लू. एंड दोनों तरह के क्रोमोसोम का मात्र एक सेट है, एक रेड एक ब्लू. जब आपके सेल के न्यूक्लियस में हर क्रोमोसोम का मात्र एक ही सेट पाया जाता है, देन द प्लॉयडी ऑफ द सेल इज सेट टू बी हैप्लॉयड. ठीक, हियर ईच क्रोमोसोम इज फाउंड ओनली इन वन सेट. दिस हैप्लॉयडी इज शोन बाय द अल्फाबेट एन. जब आपके किसी सेल में यू नो व्हाट हैपेंस, each chromosome type are found in pairs. You can see, yeah, pair hai. ये chromosome जोड़े में, ये chromosome जोड़े हैं. यानी कि हर chromosome का जब 2 set पाया जाता है, then the ploidy of the cell is said to be diploid. मैंने कहा ना, ploidy मतलब कितने set हैं? 1 set haploid, 2 set diploid. When you know the cells have each chromosome का more than 2 set, then we call it as you know, sorry, then we call it as polyploid. In this case we can call this polyploidy को हम triploidy भी कह सकते हैं क्योंकि 3 set है. We call it as triploid, right? Haploid we show by the alphabet N. 2 sets, 2N, N is 1 set, 2N is 2 set, 3N is 3 set and so on. ठीक, अब अगर मैं कहती हूँ कि this cell में the chromosome number is N is equal to 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये एक ऐसा सेल है जिसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम एक ही सेट में है एंड टोटल क्रोमोसोम की संख्या 2 है. यहाँ पे हम लिखेंगे द सेल इज 2N इज इक्वल टू 4. इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा सेल है जिसमें क्रोमोसोम जोड़े में है एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द क्रोमोसोम कम्स टू 4. अगर मैं कहती हूँ ये सेल का क्रोमोसोम नंबर 3N इज इक्वल टू 6 है, मतलब ये एक ऐसा सेल है जिसमें हर क्रोमोसोम, ये N सेट है, 3 सेट में है, जिसकी कुल संख्या क्या है? 6 है. आई होप आपको प्लॉयडी समझ में आ गई. हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम यू हैव इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, इफ इट इज 1 इट इज हैप्लॉयड, 2 डिप्लॉयड, 3 ट्रिप्लॉयड एंड सो ऑन. N 2N 2 सेट, 3N 3 इज इक्वल टू, मतलब हैप्लॉयड की संख्या कितनी है, डिप्लॉयड की कितनी आती है, पॉलीप्लॉयड की कितनी आती है. मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहती हूँ. ये चार्ट मैंने क्लास 12
के एनसीईआरटी से लिया है जो आप 12 में पढ़ेंगे. जैसे ह्यूमन बीइंग में अगर आप देखें, हमारा हैप्लॉइड नंबर 23 है, यानी कि हमारे पास 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है. जब ये क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, हर क्रोमोसोम जोड़े में होता है, तो इसकी संख्या 46 हो जाती है और हम तब कहते हैं हमारा सेल 2n बराबर 46 है. सिमिलरली एक दो और ले लें, जैसे फ्रूट फ्लाई. फ्रूट फ्लाई में क्या है, द 2n कंडीशन इज 8, मतलब जब क्रोमोसोम जोड़े में है तो उसकी संख्या 8 है, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन उसका कैसा होगा, 4, यानी कि 4 चार तरह के क्रोमोसोम है, जब जोड़े में होते हैं तो उसकी संख्या 8 है. सिमिलरली अगर आप मेज देखें, मेज में अगर 2n बराबर 20 है तो ऑब्वियसली n बराबर कितना होगा, 10, मतलब अनपेयर्ड क्रोमोसोम 10 है, जब वो जोड़े में हो जाते हैं तो वो 20 हो जाता है. आई होप आपको हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी अबाउट हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एंड डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. ना कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें क्रोमोसोम जोड़े में होते ही नहीं है, सारे क्रोमोसोम अनपेयर्ड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. ठीक, इनके जो अडल्ट सेल होते हैं उसमें क्रोमोसोम अनपेयर्ड होता है, हैप्लॉइड होता है, जिसको हम एन से दिखाते हैं. जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जिनके जो अडल्ट होते हैं, मतलब जो इनके बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसमें सारे क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं. ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहते हैं. हमारे हर सेल में क्रोमोसोम जोड़े में है तो इस क्रोमोसोम को हम लोग 2n से दिखाते हैं. एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी हमारे में क्रोमोसोम जोड़े में क्यों है, क्योंकि हमें, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, वी आर आउटपुट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां वन क्रोमोसोम हैज बीन गिवन बाय फादर एंड वन बाय मदर, इसलिए हर क्रोमोसोम हमारे पास जोड़े में पाए जाते हैं. यू गॉट इट. व्हाट इज अ हैप्लॉइड सेल, अ सेल विच हैज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. डिप्लॉइड सेल इज अ सेल विच हैज टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. अ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज वन जिसमें क्रोमोसोम जोड़े में नहीं होते, और डिप्लॉइड वो होते हैं जिसके हर क्रोमोसोम, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेल में, न्यूक्लियस में, हर सेल में क्रोमोसोम जोड़े में होते. नाउ दैट यू आर वेरी क्लियर विद दैट, अ क्विक रिवीजन. डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, वी राइट इट एज 2n. हैप्लॉयड हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड वी राइट इट एज n. जब आपको इतना समझ में आ गया तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि हैप्लॉयड डिप्लॉयड का माइटोसिस से क्या लेन देन. तो पहले मैं आपको माइटोसिस पढ़ाना चाहूंगी. मैं बताना चाह रही हूं माइटोसिस बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल में हो सकता है. आपको दिख रहा है अच्छे से, दिस इज अ हैप्लॉइड सेल, ठीक है, एंड दिस इज अ डिप्लॉयड सेल. तो माइटोसिस बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल में आपका हो सकता है. माइटोसिस में केवल क्या होता है, इट इज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, एंड ग्रोथ एंड रिपेयर का मतलब क्या होता है, जस्ट टू इंक्रीज द सेल नंबर. तो अगर माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में होगा तो जो रिजल्टेंट सेल होगा दैट विल बी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड होगा. यानी कि माइटोसिस जस्ट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स, जैसा पेरेंट सेल है वैसा ही डॉटर सेल होगा, क्रोमोसोम सेम होगा. सो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा एंड डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनेगा. ये 2n है, ये 2n है. मैं बार बार कह रही हूँ माइटोसिस का काम ही क्या है, ठीक है, माइटोसिस का काम है ग्रोथ एंड रिपेयर, एंड ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए एक सेल से क्या है, केवल सेल की संख्या बढ़ानी पड़ती है, एंड द सेल मस्ट बी आइडेंटिकल टू दिस वन. सो द क्रोमोसोम नंबर of the, you know, resultant cell after mitosis is same as that of the parent. If the parent cell is haploid, the resultant cell will be haploid. If the parent cell is diploid, the resultant cell will be diploid. But this is not the case with meiosis. Meiosis में तो gamete बनता है, and gamete में invariably chromosome कैसा होता है? ठीक? The chromosome number is half, right? So meiosis में हमेशा एक diploid cell से haploid cell बनता है. तो दैट इज वाई आई टॉट यू हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड. इन शॉर्ट माइटोसिस इज दैट टाइप ऑफ डिवीजन जिसमें एक से दो सेल बनते हैं एंड द क्रोमोसोम नंबर इन द सेल्स इज सेम, दैट इज हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड, एंड इट इज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. जबकि मियोसिस इज दैट टाइप ऑफ डिवीजन जिसमें एक से चार सेल बनेंगे, बट द रिजल्टेंट सेल विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दिस सेल इज कॉल्ड एज गैमेट, एंड द मेन पर्पस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ऑफ मियोसिस इज रिप्रोडक्शन. आई होप जब आपको ये क्लियर हो गया है तो लगे हाथ. मैं आपको दो वर्ड्स और बताना चाहूंगी, जर्म सेल एंड सोमैटिक सेल क्यों. अब आप ये पूछेंगे कि भाई हमारे बॉडी में ये गैमेट बनते कहाँ है, मियोसिस होता कहाँ, हमारे बॉडी का कौन सा वो सेल है, ठीक है, जो मियोसिस करता है, हमारे बॉडी का कौन सा वो सेल है जो मियोसिस करता है, यानी कि डिवाइड करने के बाद ऐसे सेल बनाता है जिसकी क्रोमोसोम नंबर हाफ है. क्या कोई भी सेल कर सकता है? नो, एब्सोल्युटली नो. तो कौन सा सेल करेगा? मेरे बॉडी में क्या है ना, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स असाइन कर दिए गए. जैसे सांस लेने के लिए लंग्स है, खाना पचाने के लिए स्टमक है, वैसे गैमेट बनाने के लिए एक पूरा ऑर्गन डिवोट कर दिया गया है, जिस ऑर्गन को हम कहते हैं गोनैड.
ठीक, इसी मेल गोनाड को हम कहते हैं टेस्टिस एंड फीमेल गोनाड को हम कहते हैं ओवरी, एज यू कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम. दिस इज फीमेल गोनाड ओवरी एंड दिस इज मेल गैमेट टेस्टिस. केवल टेस्टिस एंड ओवरी के जो सेल है वो मियोसिस कर सकते हैं और गैमेट बना सकते हैं. वैसे सेल जो टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर पाए जाते हैं, जो केवल मतलब मियोसिस करके गैमेट बना सकते हैं, ऐसे सेल को हम कहते हैं जर्म सेल. द रिमेनिंग सेल्स ऑफ अ बॉडी, दीज आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स. द सोमैटिक सेल्स आर एक्चुअली अंडरगो माइटोसिस एंड द यूनिक सेल्स ऑफ अ बॉडी, यू नो, विच आर फाउंड इन द गोनाड्स, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी, दोज द ओनली सेल्स ऑफ अ बॉडी हु हैव द कैपेसिटी टू अंडरगो मियोसिस, दे आर कॉल्ड एज जर्म सेल्स. सो इन शॉर्ट we have learned that there is two type of cell division in our body. Now let me be very clear. In our body, the cell divides by a sequence, an orderly sequence, so we call it as cell cycle. This divides either for growth and repair. In this type, from one cell you will have two cells having the same number of chromosome, this is called as mitosis, or it, you know, does to make gametes jisme ek se char banenge with half number of chromosome, this is called as meiosis. सो आई होप यहाँ तक आपको बातें मेरी अच्छे से समझ में आ गई. जब हमें ये समझ में आ गया कि वॉट इज सेल डिविजन एंड वाई, वॉट इज द पर्पज ऑफ डूइंग सेल डिविजन, तो ऑब्वियसली अगला चीज हमारा क्या आएगा, वॉट शुड बी द प्रोसेस. इसका प्रोसेस क्या है, क्या प्लान है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसको करने का प्लान क्या होना चाहिए. सो नाउ लेट अस गो इन टू द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन. नाउ दैट वी नो द पर्पज ऑफ सेल डिविजन, लेट अस नो द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन, राइट. अब जब भी हम किसी प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, उसकी जो प्लान बनाते हैं प्रोसेस में, तो प्लान में सबसे पहले किसको एड्रेस करते हैं, द चैलेंजेस इन्वॉल्व विद द प्रोसेस. तो सेल डिवीजन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, चलिए देखते हैं. सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग चैलेंज क्या है, नाउ लुक एट दिस माई चिल्ड्रन, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें एक से दो सेल बनेगा, Each having the same number of chromosome. अगर आप human being में लें तो original parent cell में अगर 46 chromosome है तो resultant cell में भी 46 होना चाहिए. Meiosis वो है जिसमें एक से चार बनेगा with half number of chromosome, और अगर आप human being को लें तो 40 से एक cell जिसका chromosome number 46 है, जिसको हम germ cell कहते हैं, उससे चार cell बनेंगे जिसको हम gamete कहते हैं with half number of chromosome, that is 23 each. Now the interesting thing is when you add it together it comes to 92. When you add this together, this also comes to 92. अब interesting यहाँ पर ये है बेटा आपका कि अगर मेरे original cell के पास 46 chromosome है तो वो 92 chromosome बांट कैसे देता है. अगर मेरे original cell के पास 46 है तो वो 92 बांट कैसे देता है. I'll give you an example. अगर मेरे पास एक apple है, right? हम अगर कहें, I'm considering as an apple, मैंने दो आदमी को एक एक एप्पल दिया, ये असंभव है. आप एक एप्पल से दो आदमी को एक एक एप्पल नहीं दे सकते. या अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक एप्पल है और मैंने चार आदमी को आधे आधे एप्पल दे दिए, असंभव है, राइट. आप दो ही आदमी को आधे आधे दे सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट आप लाइफ में वही दे सकते हैं जो आपके पास है. और यहाँ पे मैं आपको एक जिंदगी का भी एक लेसन सिखाऊं, हमेशा खुश रहा करिए, क्योंकि आप जिंदगी में वही दे सकते हैं जो आपके पास है. अगर आपके पास एप्पल एक है या आपके पास एप्पल है तो आप ऑरेंज नहीं बांट सकते. सो इफ यू आर नॉट हैप्पी यू कैन नेवर कीप एनीवन हैप्पी. दैट मीन्स इन शॉर्ट कमिंग बैक टू द चैप्टर, अगर मेरे पास 46 है तो हम 92 बांट कैसे दिए. हाउ डिड आई डू इट, दैट इज अ मेजर चैलेंज, राइट. कैसे करें इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए, हमने एक वही देखिए यहां पर कह रही है, इफ द सेल हैज 46 क्रोमोसोम, हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस 46 क्रोमोसोम दैट द टोटल इज कमिंग टू 92, हाउ इज दिस पॉसिबल. चलिए देखें हम इसके लिए क्या प्लान लगाए, सोचते हैं क्या कर सकते हैं. सो देयर कम्स अ प्लान. प्लान क्या है, मेरे ओरिजिनल सेल में 46 क्रोमोसोम है, राइट. मुझे बांटना कितना है, 92. तो सबसे पहले मैं इसको डुप्लीकेट करूंगी, I will duplicate it. जैसे ही हम इसे duplicate करेंगे तो obviously इसकी संख्या कितनी आ जाएगी, 92. एक बार duplicate कर दिया उसके बाद distribute कर देंगे, right? उसके बाद distribute कर देंगे. अब distribute में आपके पास दो ही option है जब 92 है, या तो आप इसको दो में 46 distribute कर लेना, या आप चार में 23 डिस्ट्रीब्यूट कर लेना. मेरी बात समझ में आ रही है,
ये बात समझ में आ रही है? तो पहले क्या करेंगे, डुप्लीकेट। इस डुप्लीकेशन फेज को हमने, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, हमने नाम दिया है इंटरफेस। सबसे पहले हम एक सेल लेते हैं, उसमें क्रोमोसोम नंबर को डबल करते हैं, इस फेज को हम लोग कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस इज एक्चुअली द डुप्लीकेशन फेज। एक बार डुप्लीकेट कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, राइट? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब उसको बांट देना है। ये दो तरह से हो सकता है, ठीक, आइदर दिस और दिस। नाउ डिपेंडिंग ऑन ठीक है, द नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड एंड द पर्पस ऑफ मेकिंग दो सेल्स, कहने का मतलब क्या है, यहां दो सेल बन रहा है, ठीक है, और यहां पर कितना बन रहा है, चार, और यहां पर्पस क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर। यहां पर क्या करना है, क्रोमोसोम नंबर सेम रखना है, पर्पस, ठीक है, यहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या रखना है, सेम, यहां आधा करना है क्योंकि यहां पर्पस क्या है, रिप्रोडक्शन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑफ टू टाइप, इफ आई फॉर्म टू और विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, दिस डिस्ट्रीब्यूशन फेज विल बी कॉल्ड एज माइटोसिस। If I form 4 with half number of chromosome for the purpose of reproduction, then this distribution phase will be called as meiosis. I hope you got it right. I don't know why my pen is not working well. समझ में आया? तो पूरी प्लान समझ में आ गया। पहले एक सेल लेंगे, उसमें क्रोमोसोम नंबर पहले क्या करेंगे, डबल करेंगे। डबलिंग फेज विल बी कॉल्ड एज यू कैन सी हियर, इट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। डबल करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जरूरत के हिसाब से। अगर हमें रिपेयर करना है तो हम उसको क्या करेंगे, एक से दो बनाएंगे विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और उस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या देंगे, प्रोसेस को नाम क्या देंगे, माइटोसिस। और अगर हमें रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट बनाना है तो हम चार बना लेंगे विद हाफ नंबर, और उस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देंगे, मियोसिस। सो आई होप द ओवरऑल प्लान इज नाउ वेरी क्लियर टू यू, ठीक। दैट मीन्स फर्स्ट फेज द डुप्लीकेशन फेज, ठीक, दिस फेज इज कॉल्ड एज इंटरफेज, एंड द सेकेंड इज when this duplicated chromosome will be divided either into 4 cells or into 2 cells, then accordingly it is called as either mitosis or meiosis. Is that clear? So aaj maine aapko what is cell cycle, what is the purpose of cell cycle and what is the overall plan of cell cycle acche se bataya. Let me summarize whatever I have taught you on this board. Ye jo white board dikh raha hai isme aapko padha do. सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया, आज मैं आपको पढ़ा रही थी सेल डिवीजन। मैंने कहा सेल डिवीजन क्यों कहते, जस्ट बिकॉज सेल डिवाइड करता है, एक सेल डिवाइड करके अनेक सेल बना रहा है, डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन कहते हैं। सेल साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिवीजन रैंडम नहीं है, प्लान्ड है, सीक्वेंशियल है, और ये लगातार चल सकता है, इसको कहते हैं सेल साइकिल। लेकिन ये सेल साइकिल ऐसे मन जैसे मन नहीं होता, जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। हमारी बॉडी में कब कहाँ कौन सा सेल कितना डिवाइड करेगा, ये सब जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। दैट वाज योर इंट्रोडक्शन एज टू व्हाट इज सेल साइकिल, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया ये सेल हम लोग डिवाइड क्यों करते हैं, सो दिस इज योर इंट्रो। सेकेंड मैंने आपको पढ़ाया व्हाई डज द सेल डिवाइड। मैंने कहा हमारी बॉडी में सेल दो ही कारण से डिवाइड करता है, आइदर फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, जहां पर एक सेल से केवल संख्या बढ़ाने वाली बात होती है, यहां पर दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। यहां पर डिवीजन एक से दो सेल बनते हैं एंड द क्रोमोसोम नंबर इज सेम, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं माइटोसिस। एंड जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो हम क्या, यहाँ 2n से कितना बना, 2n, जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो हम 2n से क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देते हैं, गैमेट, क्योंकि हमें दो गैमेट मदर से मिलता है, एक सेट फादर से एक सेट मिलता है, तभी ना बच्चे में 2n आपका वापस रिज्यूम करता है, इसको हम लोग कहते हैं मियोसिस, राइट। और ये कहाँ होता है, ये सोमैटिक सेल में होता है, ये कहाँ होता है, ये जर्म सेल में होता है, और जर्म सेल कहाँ है, गोनाड्स में, गोनाड क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, टेस्टिस, एंड फीमेल वाले को क्या बोलते हैं, ओवरी, वेरी गुड। सो आपको ये पहले बताया इंट्रोडक्शन, सेकंड बताया पर्पस ऑफ सेल डिवीजन। एक बार पर्पस बता दिया तो आखिरी चीज क्या बचा बेटा, प्लान। प्लान क्या है, सेल कैसे डिवाइड करेंगे। तो प्लान में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, चैलेंज ये था कि सेल में क्रोमोसोम कितना है, 46, बटने के बाद कितना, बांटना कितना है, 92, तो करेंगे क्या,
दो फेज में, क्या दो फेज में करेंगे, पहले फेज में हम लोग उसको डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेशन फेज को हमने टेक्निकली नाम क्या दिया बेटा, यस यू गेस्ट इट राइट, इसको कहते हैं इंटरफेज। डुप्लीकेट करने के बाद क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या है, डिपेंडिंग वो आप किस लिए कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, है ना, व्हाई आर यू डूइंग इट एंड हाउ आर यू डूइंग इट। हाउ आर यू डूइंग इट, भाई ये तो परेशान कर रहा है पेन, ठीक। अगर आप एक से दो सेल बना रहे फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, तब इस प्रोसेस को हम कहेंगे माइटोसिस। और अगर आप एक से चार सेल बना रहे, देखिए मेरा पेन नहीं कोऑपरेट कर रहा, वेयर इज माई पेन, एक से अगर आप चार सेल बना रहे है ना फॉर यू नो रिप्रोडक्शन, देन वी विल बी कॉलिंग इट एज मियोसिस। आई डोंट नो व्हाई इट्स सो हैपनिंग, यू नो ठीक तो लिख रहा है, नीचे आते आते ढंग से लिखना बंद हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द समरी, ओके। सो आई होप आपको आज समझ में आ गया व्हाट इज सेल साइकिल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल साइकिल एंड व्हाट इज द ओवरऑल प्लान ऑफ सेल साइकिल। नाउ ये मेरा आज का आपके लिए वीडियो है, एंड आई होप मैंने आपको आज जो भी पढ़ाया है यू कुड अंडरस्टैंड इट। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे में कमेंट बॉक्स में उसे पुट अप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं अगले मेरे वीडियोस क्या होंगे, नाउ दैट यू नो द प्रोसेस, माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इंटरफेस, यानी कि आप डुप्लीकेट कैसे करते हैं। उसका थर्ड होगा आप डिस्ट्रीब्यूशन में माइटोसिस कैसे करते हैं, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में आप मियोसिस कैसे करते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई रियली विश दैट आप मेरे इस चैनल को जरूर, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको इससे फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ ये नीचे का लाइक बटन को आप जरूर क्लिक करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, द मोमेंट यू सब्सक्राइब एक बेल नोटिफिकेशन आएगा, इस बेल को आप जरूर से प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी आप नोटिफाइड हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। एंड नीचे में जो कमेंट सेक्शन है, प्लीज डू राइट हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, आपके क्या डिफिकल्टीज थे, एनी क्वेरीज यू हैव, प्लीज एंड प्लीज शेयर इट टू एज मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्त घर पे बैठ के आपकी पढ़ाई कर सके। सो दिस मच फॉर टुडे चिल्ड्रन, see you soon, see you maybe tomorrow with the next video on interface. Till then I really wish you, please stay safe at home, please stay wisely at home, and use your time wisely studying, and I wish you luck, my blessings with you, God bless you.